हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मफिन्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनाते हैं। मफिन्स बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम अमूल बटर लिया है। इसके साथ ही हम आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अभी बटर थोड़ा हार्ड है तो अच्छे से मिक्स नहीं हो रही है, तो मैं इसमें 2 चम्मच दही डालूंगी। ये ताज़ा दही है। दही को डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। इसे क्रीम होने तक अच्छे से फेंटना है। पहले मैंने कलछी से एक सार किया है, इसके बाद हम बीटर से फेंटेंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। अच्छे से क्रीम होने तक फेंट लेंगे चीनी और बटर को। बिल्कुल सॉफ्ट होने तक अच्छे से फेंटना है। दही बिल्कुल फ्रेश लिए मैंने। दही, बटर और चीनी ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा। इन सबको भी डालकर अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से लिया है। ये भी बहुत अच्छे से फिट गया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैदा डालेंगे। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और आवश्यकता के हिसाब से इसमें दूध ऐड करेंगे, जितनी भी आवश्यकता होगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम बीटर से फेंट लेंगे। पहले मैंने कलछी से अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा दूध और ऐड करूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा एसेंस डालेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून रोज़ एसेंस डाला है। रोज़ एसेंस को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा कलर डाला है, फूड कलर। ये रेड फूड कलर है। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इन सबको पहले मैंने चम्मच से मिक्स किया है, उसके बाद बीटर से फेंटेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से फिट जाए और मिक्स हो जाए। इसे 1-2 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। अगर थोड़ा थिक लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे। ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। एक बार स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो साइड में है वो भी बीच में एक सार कर लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से फिट जाए। अब ये बहुत अच्छे से बैटर फिट गया है। अब मफिन्स कप लेंगे और इसमें फिल कर देंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा खाली रखेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, टूटी फूटी चॉकलेट। मैंने ये प्लेन बनाए हैं, ऊपर से मैं इसमें आइसिंग करूंगी। अब ये मैंने सभी मफिन्स के लिए मफिन्स कप में भर दिए हैं। ओवन को मैंने पहले ही प्रीहीट कर दिया था। अब हम इसे ओवन में रखेंगे।
180 डिग्री पर मैंने 25 मिनट के लिए ये सेट किया है 180 डिग्री पर। अब हम इसे बेक होने देंगे। 15 मिनट के बाद ये थोड़े फूलने लगे हैं। अब इन्हें पकते हुए 20 मिनट हो गई हैं। टूथपिक से चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से हो गई हैं 20 मिनट में। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब ये हमारे मफिन्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे, आइसिंग तैयार कर लेंगे। ये मैंने व्हिप्ड क्रीम पाउडर लिया है 1/2 कप, और इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद बीटर से इसे हम अच्छे से फैट लेंगे ठीक होने तक। इससे हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। नीचे हम बड़े बाउल में आइस रख लेंगे। ये बहुत जल्दी क्रीम तैयार हो जाती है। 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे तो ये हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एक बार चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर से बीट करेंगे। एक दो मिनट तक इसी तरह से हम बीट करेंगे, इसे फैट लेंगे। आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, कोई भी कलर डालकर इसे हम कलरफुल बना सकते हैं आइसिंग के लिए। अब ये बहुत अच्छे से हमारी क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब हम आइसिंग करेंगे। एक एक मफिन्स लेंगे और इसके ऊपर आइसिंग करते रहेंगे। जिस तरह से भी आपको पसंद हो उसके हिसाब से इसके ऊपर आइसिंग कर लेंगे। मफिन्स को बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसके ऊपर आइसिंग करेंगे, गर्म पर नहीं करेंगे वरना सारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। अब ये हमारे मफिन्स बनकर तैयार हो गए हैं। थैंक यू।